हरियाणा के पानीपत के हरिनगर में पहली क्लास के छात्र का शव लोहे के पोल से चिपका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक 6 वर्षीय मोनू पड़ोस में आई बारात देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट सका। इकलौते बेटे के खोने के बाद माँ पूजा का रो रोकर बुरा हाल था। मृतक मोनू की माँ रोते रोते बेहोश तक हो गई। मृतक मोनू का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले के गांव अहमदगढ़ का बताया जा रहा है। चश्मदीद का दावा है कि मौत करंट से हुई है। बच्चा बिजली की पाइप पर चिपका हुआ था। मेरे घर नहीं पानी नहीं आता, मैं सामने पड़ोसी के घर नहीं वो मोटर लेने जा रही थी, तो फिर वहाँ मोटर थी नहीं, बोली आज पानी नहीं आ रहा, समर खराब हो रही है। फिर मैं तुरंत ही चली आई उसके घर से। फिर मैंने आ करके और फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ देखा मैंने लड़का पड़ा, तो मैंने सोचा इनका पड़ोसिन का, तो मैंने बोला मैं कहा आपका बेटा तो यहाँ पड़ा, आप वहाँ खड़ी हो, बोली मेरा नहीं है, कहीं देखियो किसका है। फिर मैंने उसको हाथ लगाया तो वो एकदम ऐसा हो गया। फिर मैंने इनको बोला हाँ वो जो छोटा पतला वाला खम्मा है उसी से ही लिपटा था, वो उसका हाथ था खम्भे पे। फिर मैंने इनको बोला मैं कहा दीदी देखो आकर के, फिर ये भाग के गई। फिर इन्होंने गोद में उठाया, उठा के ऐसे हिलाया तो उसमें कुछ नहीं। फिर हम चिल्ला पड़े भाई किसका बच्चा है, देखो आकर के। सब पड़ोसियों के घर गई हूँ किसका है पहचान लो एक बार, तो इस गली में किसी का नहीं था। फिर हमने कहा इसको ले जाओ हॉस्पिटल, माँ बाप जब होंगे बाद में पता लग जाएगा। फिर वो पड़ोसी ने क्या भाभी वो हॉस्पिटल लेके गई। ये तो लापरवाही आपके बच्चों को भी लग सकता है, करंट लग सकता है। तो ये जी लोहे का खम्मा लगा, इसको बांस का खम्मा लगाना चाहिए था, ये मेरे से आने से पहले ये लोहे का खम्मा लग रहा है यहाँ। तो ये तो आपके बच्चों को भी लग सकता है, किसी के भी लग सकता है, लग सकता है जी। फिर हम तो बोले थे इसको चेंज कर लो, ये हैगा वकील का, हम तो भाई गरीब आदमी है। अच्छा, विकास नाम हो, मैं तो नाम नहीं जानती हूँ, पर वकील वकील सारे बोलते हैं। तो लापरवाही तो है ये बच्चे, लापरवाही है कि। इस घटना के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बिजली निगम की तरफ से उन लोगों को नोटिस थमाए गए जिन्होंने लोहे के पाइप खड़े किए और जो लोग हाई वोल्टेज तारों के नीचे घर बना रहे हैं। बिजली निगम के LM रामवीर मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलोनी में लोहे का पाइप खड़ा करने वालों की लापरवाही बताई जा रही है, विभाग उसके खिलाफ पुलिस को एक FIR की सिफारिश करेगा। ये हमारी तरफ से नहीं है, तो कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये विकास है को वकील यहाँ पे उसने लगा रखा है। पहले उसी कॉलोनी वासियों ने यही बताया कि यहाँ पे ना बांस की बल्ली लगा रखी थी, बांस की बल्ली हटा के लोहे की बल्ली लगा दी गई, जिसकी वजह से ये बता रहे हैं कि लड़का को करंट लगा है। हम मौके पर कॉलोनी वासियों के स्टेटमेंट ले लिए हमने मौके पर और हम इसका पूरा स्पष्ट निकाल रहे हैं। तो लापरवाही किसकी नजर आ रही है अभी प्राथमिक? अभी तो प्राथमिक तौर पर तो यही देख रहे हैं भाई इसी अच्छे की वजह है जो मैंने ये लोहे का पोल है जिसने भी लगाया कि डिपार्टमेंट ने हमने इनकी कॉलोनी वासियों के स्टेटमेंट ले लिए, डिपार्टमेंट उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाओगा, उसकी वो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। मामले में जांच कर रहे अधिकारी बलवान सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि हरिनगर की एक गली में मृत अवस्था में एक बच्चा मिला है। बलवान सिंह ने बताया कि अगर परिवार के लोग शिकायत देते हैं तो पुलिस मामले की जांच गहनता से करेगी। हरिनगर कॉलोनी की बात है, वहाँ ये बच्चा खेल रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक किसी अनजान व्यक्ति ने इसको एडमिट कराया तो यहाँ एडमिट कर अभी तो ऐसे कोई बात नहीं आई है सामने, फिर भी आएगी तो हम तस्ती करेंगे। सर लोहे का पाइप लगाया हुआ जहाँ पे बच्चा मिला है, तो अगर कोई शिकायत मिलती है तो जांच शिकायत मिलती है उसकी गहनता से जांच करेंगे, जांच के बाद जैसी कार्रवाई होगी।